सीमांचल में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता ने, मंत्री ने सदन में मामला उठाया कि यहाँ पर मस्जिद जिहाद चल रहा है, और इस तरीके से वहाँ पर जिस मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है, और यहाँ लगातार डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी यहाँ पर मस्जिद जिहाद चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लैंड जिहाद और जिस प्रकार से वहाँ पर मजार जिहाद चलाकर डेमोग्राफिक बदलने की प्रयास की गई थी, LI और IB का रिपोर्ट है, और लगातार एक व्यक्ति के नाम से 100 कुछ मजारें जिसको सरकार ने और हिंदू पक्ष ने ध्वस्त करने का काम किया है, तो कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस के ही मंत्री सदन में विषय उठा रहे हैं फिर भी कांग्रेसी मौन है, ऐसा क्यों?